हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए फाफड़ा बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं, जो बहुत आसान सी रेसिपी है। जिसको बनाना नहीं आता हो वो भी बना सकता है। बहुत ही आसानी से बन जाता है ये फाफड़ा और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। फाफड़ा बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप बेसन, छान कर ले लिया है हमने, और कुछ मसाले हैं साथ में। सभी मसालों को हम डाल देंगे। हमने स्वाद के अनुसार नमक लिया है, हल्दी लिया है 1 चम्मच, और अजवाइन लिया है 1 पीस। मैंने बेकिंग सोडा लिया है, मीठा सोडा होता है जो खाने वाला। कुकिंग ऑयल लिया है हमने। तो इन सभी चीज़ों को हम एक बर्तन लेंगे बड़ा, उसमें मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को बनाइएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए थाली लेते हैं, उसमें सब कुछ डाल देते हैं सारे मसाले, और मिक्स करेंगे सारे मसाले डालकर और बेसन डालकर। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में। आपको आसान सी तरीके से हम बताएंगे। अगर हाथ से नहीं बना सकते आप तो बेलन से भी आसानी से बना सकते हैं इस रेसिपी को। तो देखिए, हमने सभी कुछ मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और गूंद लेंगे। एकदम सख्त आटा गूंदना है, ना बहुत सॉफ्ट हो ना ही बहुत सख्त हो। जैसे हम मछली के लिए गूंदते हैं आटा, सेम उसी तरह से हमें गूंदना है बेसन का भी आटा है फाफड़े के लिए। थोड़ा हम पानी डालकर आटा गूंद लेंगे अच्छे से। आटे को हमने गूंद लिया है, आप देख सकते हैं, इसे से लपेट लिया है। हल्का सा ऑयल लगाना है और फिर इसको अच्छे से लपेट लेना, क्योंकि बहुत कम इसमें ऑयल लगाना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से लपेट लेते हैं आटे को। हमने हाथों से इस तरह से रोल बना लिया, छोटे छोटे टुकड़े लेकर, और इसको हाथ से बनाएंगे। अगर हाथ से ना बना पाएँ आप, इसको बेलन से भी हम बताएंगे बनाना, तो आसानी से बेलन से बना सकते हैं। ये देखिए, हमने हाथ से बनाया है। अगर आप उसे ना बन पाए इस तरह से, तो आप बेलन से बना सकते हैं। ये चाकू लेंगे, नुकीली चाकू, इसको इस तरह से हम चाकू से निकाल लेंगे। तो देखिए, तो हमने बना लिया है, इस तरह से रोल कर लिया है, और इसको हम बेलन से बनाएंगे। आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप बेलन से बना सकते हैं। हल्का सा ऑयल लगा लीजिए बेलन में, और इस तरह से रख कर हल्के हाथों से प्रेस करिए। देखिए कितना अच्छा बन गया है। तो बहुत ही आसानी से आप बेलन से भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे हाथ से बनाइए या बेलन से, नुकीली चाकू लेंगे, इसको इस तरह से निकाल लेंगे, एकदम आसानी से निकल जाता है और बहुत अच्छा लगता है। और बनने पे ये देख सकते हैं, ये एकदम बढ़िया सा बन गया है। तो आप भी इस तरह से बेलन से बना सकते हैं। बहुत से लोग हाथ से नहीं बना पाते हैं, तो इस तरह से प्रेस करना है और बना लेना है बढ़िया सा फाफड़ा। तो देखिए, इसी तरह से हम सभी फाफड़े को बना लेते हैं आराम से बेलन से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने बेलन से बनाया है, बहुत आसानी से निकल भी गया है। बेलन से बनाने में बहुत आसानी रहती है, फटाफट से बन जाता है। हाथ से बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं हाथ से ज़्यादा बना नहीं पाती हूँ। और हाथ से मैंने 2-4 बनाए थे, उसके बाद मैंने बेलन से बना लिए सारे फाफड़े को। देखिए कितनी आसानी से हमारा बन जाता है। तो मैंने इसी तरह से बनाया है, आपको जो आसानी लगे हाथ से या बेलन से आप बना सकते हैं। चाकू कितनी आसानी से निकल गया है। इस फाफड़े को इस तरह से बनाइए, इंजॉय करिए। चलिए हम इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं आप। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो मैंने एक एक करके डाल दिया है इसमें कढ़ाई, हम जितने आए उतने ही डालें, 3 या 4 इस तरह से डालेंगे। इसे उलट पलट कर हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसको हम सेक लेते हैं। तो देखिए, हमारे फाफड़े बन के तैयार हैं। इस तरह से हम सभी फाफड़े बना लेंगे, इसी तरह से डालकर उलट पलट कर अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो सभी फाफड़े को हम बना लेते हैं फ्रेंड्स। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च ली है 2-3, उसको हम डाल देंगे एक साथ फाफड़े के साथ। हम उसको हरी मिर्च को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, तैयार है हमारा फाफड़ा बनके, बहुत अच्छा बना है फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया मस्त बना है। आप भी इस तरह से बना सकते हैं, और फाफड़े के साथ हरी मिर्च को फ्राई कर लीजिए। थोड़ा सा करी पत्ता भी फ्राई कर लीजिए, इसमें डाल दीजिए, और फिर इसे चाय के साथ सर्व करिए। सुबह या शाम को नाश्ते में ले सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया लगता है खाने में, बहुत टेस्टी लगता है, फटाफट से बनने वाला नाश्ता है ये फाफड़ा। तो आप भी बनाइए, इंजॉय करिए। मैंने थोड़ी सी करी पत्ते भी फ्राई कर लिए थे इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए, उसको हम डाल देंगे। और ये देखिए, बढ़िया सा तैयार है हमारा फाफड़ा। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए, इंजॉय करिए। अगर आपको हमारी ये वाली रेसिपी पसंद आए फाफड़ा बनाने के लिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।